नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित। स्वागत है आप सबका इस डिफेंस सेगमेंट में। और इस डिफेंस सेगमेंट में हम बात करने वाले हैं इंडिया के इंडिजिनस लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल निर्भय के बारे में। तो जी हाँ दोस्तों, निर्भय को लेकर ऐसी खबरें आ रही हैं कि निर्भय मिसाइल अब अपने प्रोडक्शन फेज में जाने वाला है। जैसा कि आप सबको पता ही होगा, लास्ट वीक ही हमने रिपोर्ट किया था कि निर्भय ने अपना 6th ट्रायल टेस्ट सक्सेसफुली परफॉर्म किया था और उस टेस्ट में सारे पैरामीटर अपने मानकों के आधार पर टेस्ट किए गए थे। और अब ऐसी खबरें आ रही हैं कि इंडियन आर्मी और इंडियन नेवी इन दोनों ने अपनी अपनी रिक्वायरमेंट रखी है निर्भय क्रूज मिसाइल को लेके। इसके प्रोडक्शन फेज में जाने से पहले वो चाहते हैं कि उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो इसमें इंप्लीमेंट की जाए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि निर्भय क्रूज मिसाइल के कितने वेरिएंट है। तो जैसा कि आप सबको पता ही होगा, इस मिसाइल के मुख्यतः तीन वेरियंट है, जिसमें है पहला LRCM लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल, दूसरा GLCM ग्राउंड लॉन्च क्रूज मिसाइल और तीसरा ALCM एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल। तो ये प्रमुख इसके प्रकार हैं। और उसमें से भी एक और निर्भय मिसाइल की वैरायटी डेवलप की जा रही है और वो है SLCM सबमरीन लॉन्च्ड क्रूज मिसाइल, जिसे एक सेपरेट लैब डेवलप कर रही है। और ये जो सेपरेट लैब है वो उन लैब से डिफरेंट है जिन्होंने निर्भय के LRCM डेवलप किए हैं, जिसका टेस्ट अभी हाल ही में कंडक्ट किया गया था। तो आइए जानते हैं कि नेवी की रिक्वायरमेंट किस तरह की है निर्भय क्रूज मिसाइल को लेके। तो नेवी चाहती है कि निर्भय क्रूज मिसाइल की जो रेंज है वो 1500 किलोमीटर से ऊपर हो और कहीं ना कहीं 2000 किलोमीटर के आसपास हो। और इस चीज को प्रोडक्शन फेज से पहले अचीव करने के लिए DRDO प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर रही है कि इस चीज को कैसे अचीव किया जा सकता है। और मोस्ट प्रोबेबली दो ऑप्शन है इस चीज को अचीव करने का। पहला, या तो मिसाइल की फ्यूल कैपेसिटी बढ़ा दी जाए, या दूसरा जो फ्यूल बर्निंग रेट है उसको कंट्रोल किया जाए। तो ये दो मुख्य कंट्रोल्स है जिनको मॉडिफाई करके DRDO नेवी के इस रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकती है। वहीं पे दूसरी तरफ जो निर्भय क्रूज मिसाइल का लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल है जिसे इंडियन आर्मी को सौंपा जाना है, तो वहां पे इंडियन आर्मी ने इसके प्रोडक्शन फेज में जाने से पहले कुछ नई रिक्वायरमेंट्स रखी हैं। और इन रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इंडियन आर्मी चाहती है कि निर्भय क्रूज मिसाइल इस तरह की कैपेबिलिटी अपने साथ लेके आए जो कि सी स्किमिंग तो कर ही पाए, मतलब एक लो अल्टीट्यूड पे एक लंबे डिस्टेंस तक ट्रैवल तो कर ही पाए, साथ ही माउंटेन के पीछे छुपे हुए जिस भी तरह के दुश्मन के एडवर्सरीज हैं उनको भी हिट करने में सक्षम हो। और इस चीज को अचीव करने के लिए इस मिसाइल में अभी नए नए और एडवांस सेंसर्स इंप्लीमेंट करने होंगे, जिसके लिए कहीं ना कहीं आर्मी के निर्भय क्रूज मिसाइल में डिलीवरी को लेके और प्रोडक्शन में जाने को लेके लेट हो सकता है, क्योंकि इसमें और मॉडिफिकेशन चाहिए होंगे जैसे कि आर्मी की रिक्वायरमेंट उन्होंने अभी रखी है। जैसा कि मैं आपको बता दूं, अभी जो निर्भय क्रूज मिसाइल का टेस्ट कंडक्ट किया गया था वो एक रशियन इंजन NPO-SATAN 36MT पे कंडक्ट किया गया था, और आने वाले कुछ दिनों में इसे इंडिया के इंडिजिनस मानिक इंजन से भी टेस्ट किया जाएगा। अब देखने वाली बात यह होती है कि DRDO अपने एंड यूजर की रिक्वायरमेंट्स को कैसे और कब तक पूरा करके डिलीवर कर पाती है। तो इस डिफेंस सेगमेंट में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई, गिव अस अ लाइक, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। जय हिंद।